चलो हाय बच्चों, आज मैं आपके बीच लाइव वीडियो आना पड़ा। मैं उदेश कुमार रवि आज कक्षा 12 से हिंदी को लेकर के आए हैं, जो काव्य से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंजी की रचना है, जिसका नाम है पवन दूतिका। ये उनकी रचना है पवन दूतिका। इन्होंने इस पवन दूतिका में भगवान कृष्ण और राधिका जी के बीच की बात को उन्होंने अपने इस पवन दूतिका में समाहित किया है। अपने घर में राधिका जी उदास बैठी हुई हैं और पवन को अपनी दूतिका बना करके भगवान कृष्ण के पास भेज रही हैं, तो उसी पवन दूतिका में उन्होंने पहले लिखा है। पहला हम देखते हैं कि बैठी खिन्ना एक दिवस भी गेह में थी अकेली। एक दिन राधिका जी बैठी मने खिन्ना मने उदास, एक मने एक दिवस मने दिन, गेह मने घर, अकेली अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृंग युगल में, आके आंसू दृंग युगल में, आंसू मने आंखों में, आंसू आकर के दृंग युगल मने दोनों आंखों में आंसू आकर के धरा को भिगो थी, अर्थात जमीन को वो भिगो रहा था। क्या उनके आंखों से गिरता हुआ आंसू। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध बोले। उसी समय पवन आती है सदन मने घर में, पुष्प सदगंध को ले, जो पवन थी सुगंध को लिए हुए उनके घर को घर में आती है। प्रातः प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, जो सुबह के मौसम, जो सुबह का जो सुहावना मौसम होता है, सुहाना समय होता है, उसी समय प्रातः काल यह पवन दूतिका सुंदर वातावरण लेकर के उनके घर में पधारती है। और दूसरी बात, संतापों को विपुल बढ़ता देह के दुखता। उस पवन दूतिका के आने पर वह राधिका जो है और क्या होती हैं, उनको देख करके दुख को बढ़ता हुआ, उनके दुख को और भी बढ़ता हुआ देखती हैं और कहती हैं, धीरे बोली सह दुख उससे श्रीमती राधिका। उस पवन दूतिका के आते ही राधिका जी बड़े ही मृदुल, बड़े ही मार्मिक शब्दों में, बड़ी मार्मिक बोलियों से दुखित भाव में राधिका जी बोलती हैं, क्या प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। प्यारी सुबह प्रातः काल की पवन मने हवा, इतना क्यों मुझे तुम सता रही हो, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तुम भी सुबह में इतने सुहाने मौसम में बेला में आकर के तुम मुझे क्या कर रही हो, तुम मुझे दुखित कर रही हो, क्या तुम भी क्या बन गई हो, क्रूर बन गई हो। आगे फिर कहती हैं, मेरे प्यारे नवजरद से कर्ज से मित्र वाले। कहती हैं राधिका जी, कहती हैं कि हे पवन दूतिका, तुम जाओ मेरे भगवान कृष्ण कन्हैया के पास और मेरा संदेशा दे दो। क्या कहती हैं, मेरे प्यारे नवजरद से, जो मेरे प्यारे जो कृष्ण हैं, जलद मने कमल नेत्रों वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेश, गए यहां से तो आए नहीं, मधुबन गए लेकिन आए नहीं, और ना ही कोई उन्होंने मेरे लिए संदेशा भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं। उस प्यारे, उस कृष्ण प्यार के प्यारे के विरह में मैं दुखित होकर के मैं क्या हो रही हूं, बावली हो रही हूं, रो रही हूं। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तुम जाओ और मेरे श्याम कृष्ण कन्हैया को
मेरे सारे मेरे अंतःकरण के दुख को उस श्याम कृष्ण कन्हैया को क्या करो, सुना दो। और कहती हैं, जो ही मेरा भवन तस्तु अल्प आगे बढ़ेगी। राधिका जी कहती हैं पवन दूतिका से कि जो ही मेरा भवन, जैसे तू मेरा भवन मैंने घर मेरा छोड़कर, तज तू यानी छोड़कर अल्प आगे बढ़ेगी, अल्प मैंने आधे रास्ते तुम जब जाओगी, शोभावाने सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। उस रास्ते में तुम्हें शोभावान सुंदर लगने वाली, सुखद मैंने सुख प्रदान करने वाली कितनी मनी अनेकों मंज मैंने मन को लुभाने वाली कुंज मैंने बाग बगीचे क्या मिलेंगी, मिलेंगी प्यारी छाया मृदुर स्वर से मुंह लेगी तुझे। जब तुम जाओगी तो वह प्यारी छाया, जो वह लताएं हैं, जो सुंदर शोभा वाली बाग बगीचे हैं, वह छाया तुमको अपनी मृदुलता से स्वर से क्या करेगी, मुंह लेगी तुझे, तो भी तू मेरी दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। वहां जाना और उस बाग बगीचे उपवन की सुखद भावनाओं को देख करके, सुख को देख करके वहां तुम रुक मत जाना। जो भी मेरी दुख लख वहां जाना विश्राम करना, मेरे दुख को तुम याद करते हुए वहां तुम विश्राम मत करना और आगे बढ़ना। और आगे बढ़ने के बाद तुम मेरी सारी व्यथा मेरे श्याम कृष्ण कन्हैया से कह देना। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको चार नंबर तक जो है पवन दूतिका का मैंने बता दिया और पांचवें से अगले वीडियो मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।